हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कपलिंग। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, नाम है उसका कपलिंग। हिंदी में कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। देखते हैं कपलिंग है क्या। देखो, जनरली हमको पता है कि शाफ्ट की जो लंबाई मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम 7 मीटर तक रख लेते हैं। 7 मीटर के बाद एक्चुअली क्या है कि दो शाफ्ट, एक बड़ा शाफ्ट बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी तो उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। और कई बार ऐसा होता है, कोई मैकेनिकल एलिमेंट ऐसा है जहाँ हमको इससे 7 मीटर से भी अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता हो, या दो मशीन हैं जिनके शाफ्ट को पावर ट्रांसफ़र करना, एक मशीन से दूसरे मशीन की शाफ्ट पर पावर ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे में दोनों शाफ्टों को मर्ज करके बनाया जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं कि दोनों मशीन के शाफ्ट एक जैसे बना दिए जाएँ, एक ही शाफ्ट में दोनों मशीनें बना दी जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो शाफ्ट, चाहे वो अलग अलग हों या चाहे अलग अलग मशीनों के हों, तो उनको जोड़ने के लिए हम जो मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कपलिंग। तो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो कपलिंग है। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये देखो मोटर है, ये मोटर है ना, ये हमारा इधर सेट है, कोई मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, मतलब ये पंप सेट है, ये इसका शाफ्ट है। तो ये इसका शाफ्ट, इस मशीन का, इस मशीन के दोनों शाफ्ट को कपलिंग के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कपलिंग आपको दिख रही है, इसमें कपलिंग दिख रही है, इस तरह से ये काम जो है, ये जो जॉइंट है दोनों शाफ्टों को, ये शाफ्ट, एक शाफ्ट, इन दोनों शाफ्टों को कपलिंग के द्वारा जोड़ा गया है। अब यहाँ से जो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का जो शाफ्ट है, जब वो घूमेगा तो ये जो पंप है इसका मोटर घुमाएगा, है ना, तो यहाँ से जो पावर मिलेगी वो स्विफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कपलिंग से ये दोनों शाफ्ट जॉइंट हो गए। और इन दोनों शाफ्टों को कहता बहुत मुश्किल था, दोनों मशीनों का शाफ्ट एक करना है कि नहीं, तो आपको समझ आया होगा। तो कपलिंग के क्या टाइप्स हैं, कपलिंग का क्या यूज है, तो ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं कपलिंग। तो कपलिंग समझ में आई होगी आपको, कपलिंग क्या है कि जैसे व्यवहारिक रूप से अगर बहुत लंबी शाफ्ट है या कोई दो मशीनें हैं उनके शाफ्ट को एक साथ नहीं बना सकते, तो दो शाफ्ट जिनकी लंबाई कुछ भी है उन दोनों को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको कभी भी अलग कर लो, कभी भी अलग हो जाएंगे ये, कपलिंग खोल लो, इसको अलग कर दो, अलग अलग हो जाएंगे दोनों शाफ्ट। तो एक शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर रोटेटिंग मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग कहाँ होता है? शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर रोटरी मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अब कपलिंग से देखो, कुछ शाफ्ट एक ही लाइन में होंगे, मान लो ये है एक शाफ्ट, ये है एक शाफ्ट, ये है, इन दोनों के एक्सिस कैसे हैं शाफ्ट, तुम समझते हैं? ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया, और ये शाफ्ट है, और ये शाफ्ट है, ठीक है, और ये दो शाफ्ट हैं, इन दोनों की एक्सिस एक ही लाइन में है, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों की एक्सिस एक लाइन में नहीं है, भले पैरेलल है लेकिन अलग अलग हैं, एक लाइन में नहीं है, ठीक है, या फिर किसी एंगल पे हैं, किसी शाफ्ट की एक्सिस एंगल पे हैं, कोई एंगल है 5 डिग्री से 30 डिग्री तक भी हो सकता है, तो समान एक्सिस के शाफ्ट, अलग अलग एक्सिस के शाफ्ट, किसी एंगल पे जो शाफ्ट हों, उन सब को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ टाइप्स ऑफ कपलिंग पर। कपलिंग जनरली दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रिजिड कपलिंग या फास्ट कपलिंग, दूसरा है नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग के भी दो पार्ट हैं, मफ कपलिंग या बॉक्स कपलिंग, या इसको स्लिप कपलिंग भी कहते हैं, या इसको स्लिप कपलिंग भी कहते हैं।
और मफ कपलिंग भी फर्दर डिवाइडेड है दो में, हाफ नट कपलिंग और स्प्लिट मफ कपलिंग। दूसरा है फ्लैंज कपलिंग। रिजिड कपलिंग दो प्रकार की, मफ या बॉक्स कपलिंग या स्लीव कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग, ये हुई रिजिड कपलिंग। अब एक एक करके हम सबके टाइप्स पढ़ेंगे। दूसरा बताया था फ्लैंज कपलिंग, है ना। फ्लैंज कपलिंग भी तीन प्रकार की, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग, सॉलिड फ्लैंज और मरीन टाइप कपलिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव टाइप, अनप्रोटेक्टिव टाइप, सॉलिड फ्लैंज या मरीन टाइप कपलिंग, ये अलग अलग पढ़ेंगे हम, सारा पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, बात तो कपलिंग के बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम रिजिड कपलिंग। रिजिड कपलिंग क्या है? ये वे कपलिंग है जो पूर्णता सरलरेखण मतलब अलाइनमेंट में दो शाफ्टों को जोड़ने का काम करते हैं। इन कपलिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इन कपलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फ्लेक्सिबल कपलिंग अलग टाइप की फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है, इन फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं ये। ठीक है, पूर्णता आलेखन में दो शाफ्टों को मतलब एक साफ ऐसे शाफ्ट जो एकदम इन लाइन है, उनके एक्सिस एक ही एक्सिस, दोनों के एक्सिस क्या है समान है, मतलब ये शाफ्ट ये शाफ्ट है बीच में कपलिंग लगा के दोनों को जोड़ दें, ऐसी जगह हम यूज करते हैं रिजिड कपलिंग का, मतलब मफ कपलिंग और बॉक्स कपलिंग का या फ्लैंज कपलिंग का। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, जैसे फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग का क्या फंक्शन है जो नॉन रिजिड कपलिंग है या फ्लेक्सिबल कपलिंग? लचीली युग्मक, युग्मक मतलब कपलिंग, हिंदी में कहते हैं युग्मक। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसका क्या है, इन कपलिंग्स द्वारा उन शाफ्टों को जोड़ा जाता है जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट में नहीं होते। यह ड्रिवन शाफ्ट के झटकों को एब्जॉर्ब करते हैं। यह कपलिंग जब एक या दोनों शाफ्ट भार को छोड़ देती है तो कपलिंग प्रतिवर्ती प्रतिबल मतलब रिवर्स स्ट्रेस प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है, मान लो किसी एंगल पे है, या कहने का मतलब किसी एंगल पे है दो शाफ्ट, अथवा इनका एक ही अलाइनमेंट नहीं है, इनका क्या है एक एक्सिस नहीं है, समान है लेकिन अलग अलग एक्सिस पर हैं, ऐसी जगह इनका उपयोग करते हैं। तो अब बीच में जो कपलिंग लगी होगी उसका काम क्या होगा, जो शॉक होगा उनको ही अब्जॉर्ब करेगी ये और रिवर्सल स्ट्रेस प्रदान करेगी ताकि इस शाफ्ट पर ज़्यादा कोई लोड ना आए और ये ब्रेक ना हो। कोई दिक्कत होगी तो फिर बाद में फर्दर इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे बच जाएंगे। तो रिजिड कपलिंग भी तीन प्रकार की होती है, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ओल्डम कपलिंग, हुक्स और यूनिवर्सल कपलिंग। मफ कपलिंग भी कई टाइप हैं, फ्लैंज कपलिंग के भी टाइप हैं। ठीक है, और हमारे रिजिड कपलिंग के भी टाइप हैं, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके। अब पहला पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम रिजिड कपलिंग। रिजिड कपलिंग में पहला पार्ट पढ़ेंगे मफ कपलिंग का। मफ कपलिंग को हम बॉक्स कपलिंग या स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, मफ कपलिंग, देखो ये फिगर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम, इसमें कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान है, इसको समझते हैं। मफ कपलिंग क्या होता है पहले ये देखेंगे, आप फिगर में देख पा रहे होंगे ये बॉक्स है या इसी मफ कहते हैं। ये क्या हॉलो बॉक्स है, ऐसे मान लो क्या है एक हॉलो बॉक्स है, उसमें दो शाफ्ट हैं, दोनों शाफ्टों की के माध्यम से जोड़ दिया है और की क्या है बॉक्स में मफ में फिट हैं, तो ये दोनों शाफ्ट जुड़ गए, अभी घूमते रहेंगे और फिर ये मफ कपलिंग कहलाती है, स्लिप कपलिंग कहलाती है। इसमें इसको मफ कपलिंग, बॉक्स कपलिंग या स्लिप कपलिंग कहते हैं। यह छोटी साइजों की शाफ्टों को जोड़ने का डेड शाफ्टों का सबसे सरल तरीका है। तो दो डेड शाफ्टों को जोड़ने का सबसे सरल तरीका है। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉक्स है वो तो कास्ट आयरन का बना होता है बेलनाकार, ठीक है, उसे मफ कहते हैं। इसमें मध्य तक दोनों सिरों से जोड़ने जाने वाली शाफ्टों को टक्कर देकर मिला देते हैं और एक गिवकी या संक टेपर की दोनों शाफ्टों तथा मफ को जोड़ने के लिए लगा दी जाती है। इस कपलिंग में दोनों शाफ्टों के व्यास समान हो तथा एग्जैक्ट अलाइनमेंट हो तथा दोनों शाफ्टों में कुंजी सीट समान गहराई की बने। इसमें कुंजी सामान्यतः माइल्ड स्टील की प्रयोग करते हैं, जो हमारी कुंजी बनती है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको,
फिगर को समझते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, अब आपको मान लो ये मफ है, मफ है क्या, ये हॉलो है पूरा, इसमें कोई दो शाफ्ट हैं ये, ठीक है, जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट है, इनके एक्सेस एक ही जैसे हैं। अब इनको क्या की के माध्यम से ऐड कर दिया, ये बॉक्स, ये हॉलो था, ये हॉलो है पूरा, ऐसे दिख रहा है, ये पूरा हॉलो है, एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसे मान लो हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर क्या कर दिया है, दो शाफ्ट डाल दिए और दोनों शाफ्टों को जोड़ दिया एक की के माध्यम से, और ये अब ये की के माध्यम से जुड़ गए हैं, की के माध्यम से ये जुड़ गए, अब दो की के माध्यम से दोनों शाफ्ट घूमेंगे, दोनों शाफ्ट घूमेंगे, इसमें से समझो ये हमारा हॉलो बेलनाकार है, ये इसमें दोनों शाफ्ट डाल दिए, दोनों शाफ्टों को की लगा के इनको कर दिया, अब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगी, दोनों एक साथ होकर जुड़ेंगे, ये बॉक्स में घूमते रहेंगे, और ये हमारे बियरिंग से टच है सब, कोई दिक्कत नहीं, कहीं निकल के भी नहीं जाएगा, और ये पावर ट्रांसफर करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर ट्रांसफर करेंगे। दूसरा है हाफ लैप मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, इसमें भी वही मफ है, इसमें इस डायग्राम समझेंगे, इसमें देखो मफ बना हुआ, वही बेलनाकार मफ है, हॉलो है, दो शाफ्ट हैं, अब इसमें क्या कि दोनों, इसमें दोनों शाफ्ट एक जैसे थे, समान डाया कि इसमें क्या किया, एक शाफ्ट को देखो ये ऐसा काटा है टेपर, और दूसरे वाले साफ ये एक साफ्ट ये हो गया, और ये वाला साफ्ट ये गया ये गया ये गया, मतलब दोनों साफ्टों को क्या कर लिया है, टेपर काट लिया है, दिख रहा है, एक ये पार्ट ये है, एक टेपर एक पार्ट ये है, तो इस तरह से ये एक का नीचे वाला पार्ट गायब कर दिया, एक का ये ऊपर वाला पार्ट गायब कर दिया, ये टेपर है, ये जनरली उपयोग नहीं करते हैं, ये ज़्यादा जहाँ लोड ट्रांसफर को इनकी लागत बहुत आती है, क्योंकि ये इतना पार्ट एक से निकालना, इतना पार्ट एक से निकालना साफ से, और फिर उन दोनों साफ्टों को की के माध्यम से जोड़ना एक बफ में थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी लागत ज़्यादा आती है, तो ये लैप जॉइंट बनाते हैं, लैप जॉइंट तो समझते हो, लैप जॉइंट कुछ इस तरह से होता है, मालूम इसके ऊपर ये लैप जॉइंट हो गया, तो लेफ्ट जॉइंट बनाते हैं, लेकिन इसमें ये टेपर इसका भाग को टेपर करते हैं, कटिंग कर लेते हैं कुछ ये वाला, जैसे आपको दिख रहा है फिगर में, ये एक साफ से ये वाला पार्ट निकाल दिया, एक साफ से ये वाला पार्ट निकाल दिया, आपको लाइन डायग्राम में दिख रहा होगा इधर, तो फिगर से क्लियर है चीज़ें, ठीक है बात, तो क्या है इसको इसको जोड़ने वाले वाले साफ्टों को पहले लैप जोड़ लैप जिनकी जो साफ्टों को जोड़ना होता है पहले लैप जोड़ बनाते हैं उनका, लैप जॉइंट बनाते हैं, फिर सैडल के द्वारा मफ फिट किया जाता है, टेपर 1:12 का होता है इसमें, तो लैप के टेपर के कारण साफ्टों को तनाव बल द्वारा खींचकर कभी कवर इन पर कभी टेंशन के कारण कभी अलग नहीं हो सकते दोनों साफ्ट, ये जो कटे हुए फंस जाते हैं अच्छे से, एक अच्छी कपलिंग है परंतु इसकी लागत अधिक आती है कुछ, तो उसको थोड़ा यूज कम करते हैं, इसे मशीन ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टेपर पिन टाइप मफ कपलिंग, इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम से समझ सकते हैं, कुंजी की बजाय टेपर पिनों का प्रयोग किया जाता है, बस इसमें दो साफ्टों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे थे हम, कुंजी का इस्तेमाल कर रहे थे, दो साफ्टों को जोड़ने के लिए इसमें कुंजी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें कुंजी, इसमें भी कुंजी इस्तेमाल, इसमें क्या पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं दो साफ्टों को जोड़ने के लिए, बस ये स्लीव है, पिन है, दो साफ्ट हैं, ये भाई हॉलो टाइप का साफ्ट दोनों का, इन दोनों को एक पिन के माध्यम से जोड़ दिया, बस टेपर पिन मफ कपलिंग हो गया ये। नेक्स्ट वन इज सेट स्क्रू मफ कपलिंग, सेट स्क्रू मफ कपलिंग में क्या है, इसमें सेट स्क्रू प्रयुक्त होते हैं, ये अल्प सख्त पारेषण में काम आती है, लो पावर ट्रांसफर करने काम आती है, इसमें आप देख रहे हो ये दो सेट स्क्रू हैं, ये मफ है, ये दोनों साफ्ट हैं, ये यहाँ कपलिंग से जुड़े हुए हैं, और यहाँ से ये स्क्रू के माध्यम से इनको जोड़ दिया गया है, सेट स्क्रू ये कपलिंग है, ये सेट स्क्रू स्क्रू के माध्यम से ये इसको टाइट कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, ये हमारा हो गया सेट स्क्रू मफ कपलिंग। अब आ जाओ स्प्लिट मफ कपलिंग,
स्प्लिट मफ कपलिंग, इसमें क्या है, नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत जो मफ है उसको रॉट आयरन का दो अर्ध बेलनाकार भागों में बनाया जाता है जो एक दूसरे से बोल्टों नटों की सहायता से जुड़ते हैं। ऐसे मफ क्या था, पहले जो हम पढ़ रहे थे दोनों में क्या था, मफ एक था मफ, इसमें क्या, अब मफ को दो भागों में बना लिया और दोनों जो मफ के दोनों पार्ट्सों को नट बोल्ट की सहायता से जुड़ देते हैं। जुड़े जाने वाली शाफ्टों के सिरों पर इन्हें नीचे तथा ऊपर से लगाकर बोल्टों या स्टड द्वारा जोड़ दिया जाता है। कपलिंग को शाफ्टों पर क्लैंप कर दिया जाता है, इसलिए इसे क्लैंप या कंप्रेस कपलिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सीधे कहीं भी शाफ्टों को जोड़ने में प्रयोग कर सकते हैं, जहां मफ कपलिंग प्रयोग नहीं किया सकती क्योंकि मफ के एक सिरे पहले फंसा जाता है जबकि स्प्लिट को दोनों शाफ्टों पर ऊपर तथा नीचे से लगाकर बोल्ट कस दिए जाते हैं। इसका प्रयोग कम तथा मध्यम मान के मरोड़ घूड़ा पारिश्रम में किया जाता है। समझिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं, इससे क्या है, अभी तक क्या हम एक मफ होता था हमारा से पूरा एक मफ था, ठीक है, अब इसमें क्या अलग अलग कर लिए, तो अब ये अलग अलग मफ है तो ये साफ्ट कैसे भी डाल दोगे ना, ये एक साफ्ट ऐसा लगाना है, एक साफ्ट हमको ऐसा लगाना है, एक इधर से लगाना है, तो ये अलग अलग मफ है तो इन दोनों को जोड़ के और स्क्रू के माध्यम से कपलिंग जुड़ जाती है इसमें, ये फ़ायदा है। एग्जैक्ट अलाइनमेंट नहीं है तब भी जुड़ जाएगा ये। और ये स्क्रू बोल्ट से और टाइट हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, ये ज़्यादा लोड ले सकता है कंपेरिजन टू अदर्स। नेक्स्ट वन इज फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग समझते हैं क्या है, यह एक प्रकार ये रिजिड, ये बताया मैंने फ्लेंज कपलिंग कैसा है, रिजिड कपलिंग है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दो जोड़ने वाली शाफ्टों के सिरों पर कुंजी द्वारा एक एक फ्लेंज लगा दी जाती है, फिर दोनों फ्लेंजों को बोल्टों नटों द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। सभी बोल्टों को ठीक प्रकार फ्लेंजों में कसते हैं क्योंकि टॉर्क का ट्रांसफर एक फ्लेंज पर करते हैं सामान्यतः 3, 4, 6, 8 से करते हैं। इसमें एक फ्लेंज पर पूरा टॉर्क ट्रांसफर करते हैं। फ्लेंज सामान्यतः जैसे कास्ट आयरन की बनी होती हैं, माइल स्टील की भी होती हैं, दोनों में से किसी की हो सकते हैं। फ्लेंज को साफ पर लगाने के लिए साफ पर बनी कुंजी सीटों पर 90 पर काटी जाती हैं जिससे कि साफ को कमजोर करने का प्रभाव बढ़ जाता है। फ्लेंज मिलान की सतह एक वृत्ताकार उभार बनाया जाता है जहाँ को दोनों फ्लेंजों को मिलाया जाता है, दो फ्लेंज हैं उनको मिलाया जाता है, वृत्ताकार उभार बनाया जाता है तथा दूसरी सतह पर मिलान करके एक तरफ वृत्ताकार खांचा बनाया जाता है जिससे जोड़ने वाले को वृत्ताकार उभरा भाग वृत्ताकार खांचे में फंस जाता है, जिसे स्पाइगोट तथा सॉकेट केंद्रण सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग करते हैं जैसे दोनों को सेंटर मिलाते हैं ताकि उभरा पार्ट धसे हुए पार्ट में समा जाए, फिर उसको कस दिया जाता है। एक्यूरेट इससे क्या होता है, एक्यूरेट अलाइनमेंट प्राप्त होता है। इस प्रकार की कपलिंग हमको एक्यूरेट अलाइनमेंट प्राप्त होता है जो शाफ्टों का सर्वे खड़ी बना रहता है जिससे कि कपलिंग कठिन वस्तु दशापूर्वक कार्य कर सकती है। एक्यूरेट अलाइनमेंट आता है इसमें एग्जैक्ट, क्यों, एक तो क्या ना उभरे हुए, एक उभरा हुआ पार्ट क्या है, उभरा हुआ एक तरफ उभरा हुआ पार्ट है, ये एकदम सर्कुलर टाइप होता है फ्रेंच, एक तरफ उभरा हुआ बनाते हैं एक तरफ दबा हुआ बनाते हैं और दोनों फंस जाते हैं 90 एमएच करके कस देते हैं, इसमें अलाइनमेंट एक्यूरेट आता है। ये हाई पावर ट्रांसफर करने के लिए मीडियम लंबी शाफ्टों को जोड़ने के लिए अधिकतर फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज, सॉलिड फ्लेंज कपलिंग या मरीन टाइप, तीन प्रकार की होती हैं। प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग हम डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग सबसे पहले प्रोटेक्टिव टाइप आएंगे। ये डायग्राम से हम देख पा रहे हैं कैसा है फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टिव टाइप और अनप्रोटेक्टिव टाइप दोनों का फिगर हमारे पास है। प्रोटेक्टिव टाइप अनप्रोटेक्टिव टाइप में फर्क है, देखो यहाँ देख रहे हैं आप, ये नट बोल्ट कसे हैं, इसमें बॉक्स बना हुआ है पूरा, प्रोटेक्टिव टाइप में बॉक्स बना हुआ है, इसमें बॉक्स नहीं है। अब ये एक अनप्रोटेक्टेड है, इसमें क्या, ये बोल्ट है, इसमें लेबर के वाले कपड़ों में फंस सकते हैं कभी, इसमें नहीं फंसेंगे, ये बंद है, तो इसलिए प्रोटेक्टिव टाइप हो गया, ये सुरक्षित है। ये प्रोटेक्टिव टाइप अनप्रोटेक्टिव टाइप है, अनप्रोटेक्टिव टाइप है क्यों, क्या ये बोल्ट खुला है, इसमें कुछ फंस सकता है, काम करते समय हो सकता है लेबर का कपड़ा फंस जाए, हादसा हो सकता है, ठीक है, बस ये इसलिए प्रोटेक्टिव टाइप और अनप्रोटेक्टिव नाम है इनके, बाकी इनमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों का संरचना सेम सा है, लगभग दोनों संरचना सेम है। तो प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग जो है उसमें क्या है,
इसमें इस कपलिंग में प्रत्येक फ्लैंज की परिधि पर एक वृत्ताकार अतिरिक्त फ्लैंज इस प्रकार लगी रहती है कि फ्लैंज बोल्ट सिर्फ तथा डिबरी के प्रोजेक्टेड भाग को ढक लेती है। इसमें जो फ्लैंज है वो वृत्ताकार परिधि पर इस प्रकार से लगी रहती है कि डिबरी वाले सिरे को, है ना, डिबरी बोल्ट सिरे इसको ढक लेती है। इसमें क्या है, इस प्रकार लगती है, डिबरी वाले सिरे को नहीं ढकती है। बस इसका फर्क है दोनों में, इस दुर्घटना से बच जाती है। प्रोटेक्टिव टाइप है, कहीं प्रोजेक्टिव टाइप भी कह देते हैं इसको। अनप्रोटेक्टिव क्या है, इसमें फ्लैंज बोल्ट के सिर तक डिबरी के भाग ढके नहीं होते हैं, इसमें दुर्घटना हो सकती है। इस बारे में दुर्घटना हो सकती है, इसमें डिबरी के पार्ट्स ढके नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं ठोस फ्लैंज या मरीन प्रकार फ्लैंज कपलिंग में। इसमें भी क्या आप देख पा रहे हो, कपलिंग बोल्ट लगे हैं इसमें, बाकी कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, बस कपलिंग बोल्ट और डाल दिए इसमें हॉरिजॉन्टली। दो शाफ्ट हैं और नट से कस दिया गया है, ये ऊपर फ्लैंज कपलिंग, यहाँ फ्लैंज लगा हुआ है। आसान है, समझते हैं क्या है ठोस फ्लैंज या मरीन टाइप कपलिंग। इस प्रकार के कपलिंग में फ्लैंजों को शाफ्ट के साथ ही फोल्ड करके बनाया जाता है। शाफ्ट के साथ ही कपलिंग को फोल्ड करके बनाया गया है। इसमें क्या है, कपलिंग अलग से लगाते थे बाकी में, इसमें क्या है, एक विशेषता, ये शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है और इसी में फोल्ड करके हमने कपलिंग लगा दी। ऐसे ही उधर शाफ्ट है उसमें भी कपलिंग लगा दी, इन दोनों को जोड़ना बड़ा आसान है, फिर होल इसमें होल कर दो, बांध दो दोनों को, जुड़ गए दोनों शाफ्ट। समझ आई बात, तो ये बहुत आसान हो गया। दोनों को सिर रहित हेडलेस टेपेस बोल्टों द्वारा जोड़ दिया जाता है। बस और दो शाफ्ट हैं, दोनों शाफ्टों पे एक एक सिरे पर अगर फ्लैंज लगा होगा, फोर्स्ड है फ्लैंज, तो उसमें होल हैं, उनमें हेडलेस टेपर्ड बोल्ट लगा दो, कस दो। बोल्टों की संख्या सामान्यतः 4 से 12 तक हो सकती है। यह कपलिंग कम स्थान गिरती है, अलग से कपलिंग लगाओगे, है ना, और इसमें कपलिंग फोल्ड है तो स्थान भी कम गिरती है। हाई पावर ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं नॉन रिजिड कपलिंग पर। हमने रिजिड कपलिंग सारा पढ़ लिया, अब आ जाते हैं नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग। ये हमारी हमने बताया 3 प्रकार की होती हैं, पिन टाइप कपलिंग, ओवरलैप कपलिंग या हुक्स कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। इसको बताया, ये वाली जो हमारा नॉन रिजिड कपलिंग है इसका इस्तेमाल हम जनरली इनका किसी एंगल पर भी हम किसी को जोड़ सकते हैं, ये बात क्लियर है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही एक्सिस पे हो, इसमें यह आवश्यकता नहीं है कि सब हमारे एक ही एक्सिस में हो, किसी एंगल पे भी होंगे उसको भी लगा लेंगे। अलाइनमेंट अगर अलग अलग होगा उसका भी इस्तेमाल करके इसको लगा सकते हैं, इसमें ऐसी समस्या नहीं है। पिन टाइप कपलिंग समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे पिन टाइप कपलिंग। क्या है पिन टाइप कपलिंग, देखते हैं पिन टाइप कपलिंग। अब देखो डायग्राम से समझो, इसमें आपको दिख रहा होगा एक रबर बुश दिख रहा होगा, कपलिंग बोल्ट दिख रहे हैं, फ्लैंज दिख रहा है, हब दिख रहा है, शाफ्ट दिख रहे हैं, दो शाफ्ट हैं। क्या कह रहा है पिन टाइप कपलिंग क्या है इसमें, यह एक लचीली कपलिंग का, एक लचीली कपलिंग है, फ्लेक्सिबल कपलिंग है। फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग उन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए करते हैं जो स्लाइटली आउट होती हैं, बताया, जिनका एक्सिस एक बराबर नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर होता है, तथा जिनमें सापेक्ष रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्यतः ढलवा लोहे या दो आसमान फ्लैंजें होती हैं, ढलवा लोहे की दो आसमान फ्लैंज जिन्हें जोड़ी जाने वाली शाफ्टों के सिरों पर कुंजी द्वारा लगाया जाता है। मतलब दो शाफ्ट जिनको जोड़ रहे हैं उन दोनों पर फ्लैंज कस लो, दो शाफ्ट उनके दोनों सिरों पर फ्लैंज कस ली जाएंगी, कुंजी द्वारा उनको फिट कर दिया जाएगा। दोनों सतहों के फ्लैंजों को मिलाकर नहीं रखा जाता, वरना उनके बीच लगभग 5 मीटर का गैप रखते हैं, तथा पिनों द्वारा जोड़कर सख्त पारिश्रित करते हैं। अब इनमें क्या है, दोनों गैप रखते हैं और पिन द्वारा जोड़ देते हैं उनको और ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्लैंज पर डिबरी द्वारा कस देते हैं,
फ्लैंज के ऊपर लचीले पदार्थ जैसे चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया या बुश हो गए, बासर चढ़े होते हैं फ्लैंज के ऊपर। यह कपलिंग झटकों तथा कंपनों को एब्जॉर्ब करती है। मतलब उससे जो रबड़ या चमड़ा है, जो बेल्ट लगी है, ब्रश लगे हैं, बाशर लगे हैं, वो ना कपलिंग को ख़राब होने देते, ना साफ्ट को ख़राब होने देते, मतलब कपलिंग को ख़राब ना होने देंगे वो, उनसे कपलिंग की भी सुरक्षा होती है। समझते हैं इसको, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा, अब समझिए। इसको डायग्राम बड़ा कर ले रहा हूँ थोड़ा सा मैं। देखो इसमें क्या है, एक साफ्ट ये है मान लो हमारा, ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं, और ये एक साफ्ट ऐसा है। इन दो साफ्टों को मैं जुड़ा, इसमें फ्लैंज लगा ली, इसमें फ्लैंज लगा ली। अब इनका एक्सिस मान लो ये है, और ये साफ्ट यहाँ पर है, एक साफ्ट का एक्सिस ये है, एक साफ्ट का एक्सिस ये है, यहाँ फ्लैंज कस ली, यहाँ फ्लैंज कस ली, ठीक है। अब पिन द्वारा, ये दांत थोड़ा दूर बन गया, इसको थोड़ा मान लो ये यहाँ पर है। अब पिन द्वारा इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, ये पास में थोड़े से इन दोनों पिन को जोड़ लिया पिन, और बीच में दोनों तरफ क्या कर लिया, बीच में गैप है ना, काफ़ी गैप है, गैप ऐसे ऐसे समझो इसको थोड़ा सा। एक साफ्ट हमारा ये है, एक साफ्ट हमारा ये है, ठीक है। अब बीच में कुछ थोड़ा सा गैप है, ये कपलिंग, यहाँ भी कपलिंग लगा ली, यहाँ भी कपलिंग, बीच में ब्रश ब्रश लगा ली हमने, ब्रश बाशर चमड़ा रबड़, ठीक है। और पिन के द्वारा इसको कस दिया टोटली, तो अभी साफ्ट घूमेगा, ये सिर्फ साफ्ट घूमेगा, पावर ट्रांसफर होती रहेगी, और जो भी लोड आएगा एब्जॉर्ब आएगा, तो बीच में रबड़ है, ब्रश है, बाशर है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बात क्लियर आ गई होगी समझ में। बाकी मैं क्लच का, कपलिंग का आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा, एनिमेटेड वीडियो। इसमें हो सकता है लाइन डायग्राम आपको याद, सब फंक्शन समझ में नहीं आए, ऐसे क्लच कैसे काम करता है, कपलिंग कैसे काम करेंगे, इसका हम आपको एनिमेटेड वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है बात। चलिए अब आ जाओ ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग में क्या होता है, ओल्डम कपलिंग, ओल्डम कपलिंग क्या कहता है, इन कपलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दोनों जोड़ने जाने वाली साफ्टों के अच्छे समांतर तो होती हैं, परंतु एक लाइन में नहीं होती हैं। इसमें दो फ्लैंज कास्ट आयरन की तथा एक सेंटर ब्लॉक होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर हम इस वाली कपलिंग में क्या कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, रबड़ बाशर है ना, चमड़ा वमड़ा डाल रहे थे, यहाँ में सेंटर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी एक्सिस भी नहीं है, इसमें भी क्या है, अलाइनमेंट नहीं है एक समान, इसमें भी दोनों के एक्सिस अलग अलग हैं, तो क्या है, दोनों में फ्लैंज इस्तेमाल होंगी, दो फ्लैंज एक बीच में ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक कास्ट आयरन का ब्लॉक, सेंटर ब्लॉक जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है बात। या चमड़ा वमड़ा इस्तेमाल करें, रबड़ इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें सेंटर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, डेट इज ओल्डम कपलिंग, ठीक है बात। चलिए तो बात समझ में आई होगी, इसमें दो फ्लैंज जो कास्ट आयरन की बनी होती है, एक सेंटर ब्लॉक होता है, फ्लैंजों को जोड़े जाने वाली साफ्टों के अंत पर जोड़ दिया जाता है। फ्लैंजों कहाँ लगती है, साफ्ट के अंत में लगाते हैं फ्लैंजें, उसको भी लगाई थी, इसमें भी लगा दी, मतलब साफ्ट से फ्लैंजें लगा दी, एक साफ्ट है उसके सिरे फ्लैंज लगा दी, दूसरे वाली सिरे वाली फ्लैंज लगा दी, बीच में क्या है हमारा सेंटर ब्लॉक है। तो फ्लैंज के मिलाने वाली सतह पर रेक्टेंगुलर ग्रूव कटे होते हैं, जो सेंटर ब्लॉक कैसा, वृत्ताकार शक्ति के रूप में है, तो दोनों तरफ आयताकार ऊपरी विभाग बने हुए होते हैं, जो फ्लैंजों में सरका दिया जाता है। समझ लीजिए बात, दो साफ्ट इस पर फ्लैंज, इस पर फ्लैंज, बीच में सर्कुलर डिस्क टाइप है मान लो ये सेंटर ब्लॉक, इसमें बने खांचे बने हुए हैं, खांचों में इसको सरका दो, और इसी इधर भी खांचे बने हैं, ये रेक्टेंगुलर, इसको भी सरका दिया, फंस जाएगा, सरक जाते हैं, दोनों तरफ ऊपरी भाग या टंग परस्पर लंब होते हैं, जो क्रिया प्लेट घूमती है, घुमा के इसको सेट कर देते हैं, फ्लैंजों के खांचों में सरक सकते हैं, दोनों तरफ ऊपरी भाग टंग परस्पर लंब होती है, क्रिया के अंतर्गत प्लेट घूमती है, तो जीवें खांचों में सरक सकती हैं। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो जोड़े जाने वाली साफ्टों की अच्छी कीमत बहुत कम अंतर होता है। अब बात समझो, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अच्छे ये है एक्सेस, इसका बहुत कम अंतर हो दोनों साफ्टों के एक्सेस में, ऐसा नहीं है ये बहुत ज़्यादा अंतर है, वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, एक सिर्फ ये डिस्क है सर्कुलर,
ये शाफ्ट है इस पर फ्लैंज कस दी, ये शाफ्ट है इस पर फ्लैंज कस दी, इसमें ग्रूव कटे हुए हैं, इस ग्रूव में सरका के इसको फिट कर दिया, इसमें सरका के इसको फिट कर दिया। अब ये घूम रहा है तो ये घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है, तीनों घूम रहे हैं साथ साथ। अब इनका एक्सेस बहुत ज़्यादा है तो आयताकार ग्रूव तो है, अगर ज़्यादा सही से फंसा ही नहीं रहेगा तो ज़्यादा एक्सेस होगी, सही कम फंसेगा, कम फंसेगा जल्दी निकल जाएगा, तो इन दोनों एक्सेस कम हो ताकि अच्छे से दोनों फिट हो जाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ये बात क्लियर है, अब चलते हैं लास्ट टाइप, मतलब हुक कपलिंग, हुक्स कपलिंग या कहेंगे यूनिवर्सल कपलिंग। क्या कहता है यूनिवर्सल कपलिंग देख लेते हैं। इस कपलिंग को हुक जोड़ या यूनिवर्सल जोड़ भी कहते हैं। यह एक दृढ़ अंगों वाली कपलिंग है और तब प्रयोग की जाती है जब कौड़ी संरक्षण की सीमा लचीली कपलिंग से अधिक होती है। जो बताया ना, जैसे मान लो साफ किसी एक्सिस पे एंगुलर, इनके एक्सिस किसी एंगल पे हैं, तब वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एंगल 5 से 15 हो सकता है, कभी कभी 30 डिग्री भी हो सकता है, या कभी कभी मान लो इनका एंगल जो है बाई मोशन, कभी एंगल इनका एग्जैक्ट ना ये चेंज भी होता रहता है, तभी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है बात, तो इसका उपयोग जनरली डिफरेंशियल गियर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़बरदस्त यूज होता है, डिफरेंशियल गियर में बहुत स्पिंडल, बर्मा मशीन है मान लो, ड्रिल मशीन है जिससे कई सारे स्पिंडल लगे हुए हैं, कृषि यंत्रों में पावर ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं एक सेंटर ब्लॉक बना हुआ है, देखो ये डिस्क टाइप है, ये सेंटर ब्लॉक वहाँ डिस्क टाइप है, ये सिलेंड्रिकल पिन है, अब ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, किसी एंगल कर रहे हैं डिस्क है, इसको जोड़ दिया, इसको बीच में सिलेंड्रिकल पिन डाल के इसको जॉइंट कर दिया है, ये घूम रहा है, तो लाइन डायग्राम से इसका समझ में आया होगा। तो बेटा ये क्लियर है, अभी हमने डिस्कस किया कपलिंग, सिर्फ कपलिंग डिस्कस किया है, कपलिंग कितने टाइप की है, कपलिंग का क्या यूज़ है, कितने टाइप की कपलिंग है, और दो टाइप की कपलिंग है मेनली, और दो टाइप की जो कपलिंग है उनको भी, जो सब पार्ट्स हैं उनको भी, सब टाइप्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। तो आप सब इसको देख लीजिए, और एनिमेटेड वीडियो अगर हमें मिलती है कहीं तो वो भी डाल दूंगा आपको, तो इनका यूज़ आप देख पाएंगे। क्लच का भी डालूंगा, मैं क्लच पढ़ाऊंगा, क्लच का भी डालूंगा एनिमेटेड वीडियो, इसका भी एनिमेटेड वीडियो डालूंगा, तो एनिमेटेड वीडियो देखने से आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, और ये सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अपने साथ डिस्कस कीजिए, कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आस्क, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।